दोस्तों जल्दी से अपने चैनल आवरग्रुप जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और बच्चों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है। बार बार मेरे से पूछा जा रहा है कि सर, इस बार पेपर पैटर्न कैसा है, यानी कितने क्वेश्चन करने हैं? तो भाई, ऐसा है कि बिल्कुल सब कुछ सेम है, किसके जैसे? लास्ट ईयर के जैसे। अगर आपने लास्ट ईयर के बच्चों से पूछा हो, लास्ट ईयर का आपको इन्फॉर्मेशन हो, जानकारी हो, तो उसी तरह का पेपर पैटर्न है, उतना ही सिलेबस है। यानी लास्ट ईयर भी 70% सिलेबस था, इस बार भी 70% सिलेबस है, जो कि वेबसाइट पे डाल रखा है यूनिवर्सिटी ने, MSBU यूनिवर्सिटी की साइट, यानी महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। 70% सिलेबस आएगा, तो उस जो अपडेटेड सिलेबस है वो डाल रखा है उन्होंने साइट पर। मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख लेना, ठीक है? फिर दूसरी बात ये कि कितने क्वेश्चन करने हैं पेपर में से। पेपर में चलो 70% सिलेबस आया था, पर जो पेपर आएगा उसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं, तो मैं बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आए पेपर में उसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। अब वो 2 क्वेश्चन कैसे हैं, देखो, इस पे भी मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, वो आप वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ज्यादा ढंग से समझ में जाएगा। उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर को दिखाकर वीडियो बनाई थी। अब क्योंकि इस बार मेरे पास क्वेश्चन पेपर है नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहला बात, सपोज पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। पहली बात तो एक और चीज बताऊं, सेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, यानी पेपर को कोई सेक्शन मत बांटो। पेपर में कुछ सेक्शन वेक्शन कोई अथवा वथवा कुछ नहीं है। सीधा सीधा आप ये देखो, पहला क्वेश्चन है, मान लो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर में, उदाहरण के तौर पे पेपर फर्स्ट में व्याख्याएं आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, ठीक है? तो मान लो पहला क्वेश्चन है, उसने दे दिया कि आपको 8 व्याख्याएं दे रखी है, इनमें से कोई भी 4 करो, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन के अंदर 8 भाग होंगे, ठीक है? ऐसे 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7 और 8, ये पहले क्वेश्चन के 8 8 व्याख्याएं दे दी इन्होंने। तो आपको उसमें से क्या करनी है, 4 करनी है। मान लो आपने कोई भी 4 कर दी, ठीक है? तो अब ये 4 कर दी है, तो आपने इस क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर दी कि इसके 4 आपने 8 में से 4 कर दिए, तो ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। समझ गया, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया इस तरीके से। मान लो फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मान लो लघुतरात्मक क्वेश्चन है, 10 दे दिए और आपको 5 करने हैं उसमें से। क्वेश्चन में लिख रखा है कि भाई 10 में से 5 करो, तो सेकंड क्वेश्चन के 10 भाग हैं। इसी तरह से तो उनमें से कोई भी 5 कर दोगे आप, कोई भी 5 कर दोगे, तो वो सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन पूरे हो गए आपके और आपका पेपर कंप्लीट। ऐसा मत करना कि कहीं इस छोटे छोटे जो अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, मान लो सेकंड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसके अंदर 10 हिस्से दे दिए, उसके 10 क्वेश्चन दे दिए छोटे छोटे, आप उन छोटे छोटे में से कोई 2 कर दो और बोलो हो गया काम हमारा, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना उसमें, कि 10 में से 5 करने हैं, 10 में से 4 करने हैं, 10 में से 6 करने हैं, तो वो एक क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। इसी तरीके से व्याख्याएं वालों में से, अगर मान लो आपने जितनी व्याख्याएं दी हैं उसमें से आपको क्वेश्चन में दिया कि भाई 8 व्याख्याएं में से 4 करनी है, तो आपने 4 करी ना, तो वो क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, ठीक है? इसी तरह से आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, मान लो बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, बड़े क्वेश्चन दे दिए पेपर में, तो आपके सेक्शन लिखे आएंगे कि ये सेक्शन, एक सेक्शन में ये है, एक सेक्शन में ये है, एक सेक्शन में ये है, परंतु आप सेक्शन मत गिनना, आप कोई भी कर सकते हो। आप एक ही सेक्शन के दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर एक एक इसमें से कर लिया, एक इसमें से कर लिया, या फिर एक इसमें से कर लिया, एक इसमें से कर लिया, मतलब कैसे भी कर सकते हो, कहीं से भी, कोई समस्या नहीं है। समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक पेपर ही दिखाता हूँ लास्ट ईयर वाला, जैसे ये पिछली बार का पेपर था, बी थर्ड ईयर का, है ना? तो देखो, जैसे उदाहरण की बड़े क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है, ठीक है? कौन से हैं, जैसे मान लो बड़ा क्वेश्चन दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये, एक ये और एक ये। अब इनमें से आप कोई से भी 2 क्वेश्चन कर दो, चाहे ये सेक्शन तो है ही नहीं, सेक्शन को भूल जाओ, और है ही नहीं, और को भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, आपको सीधे 2 क्वेश्चन करने। मान लो आपने ये जो ये दोनों कर दिए, तो अभी आपको पेपर पूरा है, आपको कुछ और अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये 2 बड़े क्वेश्चन कर दो। या फिर मान लो आपने, चलो ये पसंद नहीं आया मुझे, मैंने एक, आपने मान लो एक ये कर दिया और एक इसमें से ले लिया, एक ही कर दिया, तो अभी 2 क्वेश्चन हो गए आपके। कैसे भी करके 2 क्वेश्चन पूरे करने हैं, चाहे वो ये 2 बड़े वाले क्वेश्चन कर ले हो, या फिर उसके बाद में, या फिर कोई ऑप्शन इधर आ जाए, मान लो आपके जैसे अभी ये तो पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो इसको तो आप इग्नोर मारो, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि मान लो व्याख्या का क्वेश्चन दिया है, व्याख्या में से आपको 4 करनी है 8 में से, तो आप 4 कोई भी चूज कर लो, आपको आती है तो आप कर दो उनको, तो वो आपका पूरा एक क्वेश्चन माना जाएगा। और मान लो इसके अलावा फिर मुझे बड़े क्वेश्चन में से कोई एक समझ में आ रहा है, तो आप एक बड़े क्वेश्चन में से चूज कर लो, तो चाहे इनमें से व्याख्याओं में से 4ों व्याख्याएं कर दो, या 4 या 5, जितनी भी, मैं 4 उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को पढ़ना, ऊपर लिख रखा होगा क्वेश्चन में कि इसमें कितनी व्याख्याएं आपको करनी है,
तो उतनी व्याख्या कर दोगे आप तो वो एक क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर मान लो आपको माना है कि भाई ये मुझे लघु उत्तरात्मक में से अटेम्प्ट नहीं करने, तो आप बड़े क्वेश्चन पे चले जाओ सीधे। और बड़े क्वेश्चन में आपको मतलब कोई एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन सही लग रहा है, तो आप उसको कर दो, तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से दो बड़े क्वेश्चन करने हैं आपको, चाहे इन बड़े में से दो कर दो, या फिर एक पूरा व्याख्याओं का अटेम्प्ट कर लो, या एक लघु उत्तरात्मक का अटेम्प्ट कर लो। ऐसे कुल मिला के दो ही क्वेश्चन करने हैं, इससे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेपर तो आपके ऐसे आता है, मान लो क्वेश्चन वन है व्याख्याओं का, इसके हैं ऐसे करके आठ छोटी छोटी व्याख्याएं इसमें मान लो, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर टू है, इसके अंदर आठ या दस छोटी छोटी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर तीन बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर चार बड़ा क्वेश्चन है, पांचवा बड़ा है, छठा बड़ा है, सातवा बड़ा है, आठवा बड़ा है, इस तरह से मतलब क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। तो मैं उसकी बोल रहा हूँ कि कोई भी ये इनको क्वेश्चन मानो आप, ये है क्वेश्चन एक दो तीन चार, इनमें से कोई से भी दो करने हैं, ये मान के चलना आपको। आपको वो जो अंदर जो पार्ट है सीधे रखे होते हैं ना कि इसका आठ, इसमें से आठ व्याख्या है, इसके दस क्वेश्चन है छोटे छोटे, इनमें से सिर्फ दो करके मत रह जाना, वो क्वेश्चन अधूरा है ना। उसमें जितनी क्वेश्चन की डिमांड है ना कि इसमें से दस में से पांच करने हैं आपको छोटे क्वेश्चन, तो पांच पूरे कर दोगे तब वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट माना जाएगा। समझे, तो ऐसे कई बार गलती करते सर मैं ये छोटे छोटे दो कर रहा है बस केवल, तो मेरा पेपर पूरा हो गया ना। नहीं भाई, आपका पेपर पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर इनको देखना कि मेन जो नंबर दे रखा है एक दो तीन, ऐसे दो क्वेश्चन करने हैं आपको कोई भी। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर बताना, क्योंकि है ना मेरे पास वो पेपर इस बार अवेलेबल है नहीं, फर्स्ट मैं आपको समझाता, अदरवाइज मेरे पास पेपर टू अवेलेबल है। पेपर टू में थोड़ा अलग पैटर्न होता है, इसमें भी देखो सेम ही चीज है। मान लो कोई पेपर इस पेपर को देख रहा है, उदाहरण के तौर पर ये बी ए थर्ड ईयर का पेपर है, पर लास्ट ईयर आया था। उदाहरण के तौर पर मान लो पहला क्वेश्चन है पैसेज में से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कितने करने हैं, सारे करने हैं, इसमें तो कोई चॉइस है नहीं, यानी इस पैसेज को पढ़ो और पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। ऐसा मत करना कि दो छोटे छोटे कराए और बोल दे सर हमारा तो पेपर पूरा हो गया, नहीं 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 ये एक क्वेश्चन ये है, इसको इसके पूरे सारे कर दोगे तो आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर मान लो आपको दूसरा प्रेसी राइटिंग पाए, मान लो प्रेसी हुई, दूसरे प्रेसी में से आपने मान लो ये प्रेसी अटेम्प्ट कर दी, पूरी प्रेसी कर दी, जो नियम कायदे के हिसाब से प्रेसी आपने अटेम्प्ट कर ली, तो आपको फिर दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया, तो आपको पेपर कंप्लीट हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लो आपको ये प्रेसी नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़े तो ये बड़े क्वेश्चन आ गए, तो आपने एक क्वेश्चन तो ऊपर कर ही दिया है, कौन सा वाला, अनसीन पैसेज वाला, ये वाला, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप इनमें से कोई भी एक कर दो, मान लो ये कर दिया, या फिर मान लो ये नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, ये कर दिया, चलो ये पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये कर दिया, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो आपके दो पूरे हो जाएंगे, एक तो ऊपर पैसेज वाला और एक इनमें से कोई। मान लो पैसेज ही पसंद नहीं आया, प्रेसी भी पसंद नहीं आई, तो इन बड़े क्वेश्चन में से ही कोई भी दो कर दो, कोई भी दो, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, चाहे ये दोनों कर दो, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, कोई भी दो कर दो। तो अब आई समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देना, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है ये दो करने है, कोई मतलब इसके अंदर ये दो हिस्से दे दिए उन्होंने, एक दो, इसको आप अलग अलग मानो, इनको अलग अलग मानो, मतलब ऐसा नहीं है कोई एक करना है कि सर ये और दे दिया, नहीं नहीं और कुछ नहीं, आप ये दोनों कर सकते हो, एक ही सेक्शन के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ये इस नंबर पे ध्यान देना है। परंतु इसमें ये और लगाया ना, इसे ध्यान मत दो, आप इनको अलग अलग मानो, आप इसको तीसरा क्वेश्चन मानो, इसे चौथा मानो, इसे पांचवा मानो, इसे छठा मानो, इसे सातवां मानो, इसे आठवां मानो, ऐसे मानो आप, तो और इनसे कोई भी दो कर देना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो पेपर जो भी पैटर्न आए आपको बस क्या ध्यान देना है, इन मेन क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देना है, और आपको ध्यान देना है कि भाई इन छोटे की कितने करने हैं इसमें से, भाई ये छोटे क्वेश्चन में मान लो दस में से पांच करने हैं, छह करने हैं, उसके हिसाब से अटेम्प्ट कर दोगे उतने क्वेश्चन, तो आपका वो एक क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हो कि सर कैसे कैसे मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, टिल देन गुड बाय, और अपना ध्यान रखना, और साथ में पढ़ाई पे पूरा फोकस करना, और मतलब एग्जाम पास में ही है तो दूसरे बच्चों की हेल्प भी करना, उनको भी शेयर कर देना वीडियो, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल सके, कन्फ्यूजन उनका भी दूर हो सके। और बाकी मैं मेरी पिछली बार साल की जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, मैं वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वापस देख सकते हो, ठीक है, उसमें ज्यादा बेटर मैं समझा पाया हूँ क्वेश्चन पेपर के साथ में। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।